के कसडोल विकासखंड क्षेत्र के सैल गांव के मिडिल स्कूल परिसर में पुराना खुला कुआं अब बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यहां छोटे छोटे बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग 40 साल पहले पानी की कमी को देखते हुए कुआं बनाया गया था, लेकिन अब बोरिंग हो जाने से कुएं का उपयोग नहीं होता है और उसकी गहराई भी कम होकर 20 फीट रह गई है। इस संबंध में स्कूल के हेडमास्टर ने कसडोल के एसडीएम को अवगत कराया था और कुएं को बराबर करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुला था उस समय, बोरिंग का व्यवस्था नहीं था। पूर्वज लोगों ने कुआं खुदाई करके यहाँ स्कूल का व्यवस्था बनाए थे। अभी वर्तमान में यहाँ बोरिंग का व्यवस्था हो गया, बच्चे लोगों को बोरिंग का पानी मिल रहा है। कुआं जो है गंदगी होते हुए खुला पड़ा है, उसमें कोई बच्चा गिर जाएगा आगे चल के हादसा तो हो सकता है। तो फटाफट बाद में कोई योजना बनाकर कुछ करेंगे। अपने हमने सरपंच पति को बताए, उसने बोले कि ठीक है, पंचायत में किसी प्रकार की जारी लगवाएंगे। सरपंच पति डिंडौरी के